हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अमन गुप्ता, विवेक कुमार, छोटी यादव, मंकुश प्रजापति, निशा रानी, पंकज, गौरव, सुशीला, राम, किशन, निरंजन पाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज परमार, मयंक मीणा, छोटे लाल मीणा, नीरज कुमार, सब बच्चे फटाफट आपस में भाई जुड़ो, शेयर वेयर करो ताकि हम आगे बढ़ें। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। कल एक पेपर हुआ था CAPF का, उसमें मुझे बच्चों ने बताया सुबह, तो उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। अभी लाइट वाले क्वेश्चन लिए मैंने 3, आगे उसमें जो क्वेश्चन आया था हीट का या फिर वेव का, उसे मैं आगे वाली PDF में लूंगा, ठीक है। तो आज हम जो पहली क्वेश्चन शुरू के 3 क्वेश्चन लूंगा मैं, ये कल के एग्जाम में आए हैं, देखते हैं कितने बच्चे ने कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। अंकित, कैलाश, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलो भाई, आज का रंगारंग कार्यक्रम करते हैं शुरू। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और हम डेली अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आगे वीक में 4 दिन रखेंगे, 5 दिनों बाद की बात है, पर अभी डेली क्वेश्चन आपके चल रहे हैं रात के 10 बजे, प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ये बच्चे कल पेपर में आया, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। UPSC CPF कल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इनवर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ लेंस। एक बिंब लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का है, तो लेंस की फोकल दूरी और उसकी प्रकृति बताइए। देखते हैं कौन धुरंधर करेगा इसे। जिन्होंने मेरे से थ्योरी पढ़ी है उनके लिए ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए, बाकी जो इधर उधर से पढ़ के आए हैं वो अपना चेक कर लो क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं। उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। नमस्ते भाई, नमस्ते जयवालिया, छोटी इशारा राम, इशारा राम बेटा ध्यान से कर क्वेश्चन, ऐसे हल्के में नहीं लेना। सबसे पहले बच्चे देखो, उसने कहा यहां पे बात की लेंस की, अब उसने आपको बताया नहीं कि ये लेंस कनकेव है कि कॉनवेक्स है, आपको नहीं बताया उसने, लेकिन उसने कहा कि जो लेंस इमेज बना रहा है वो है रियल इनवर्टेड और सेम साइज की इमेज है बच्चे, वास्तविक और उल्टी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेंस है ये लेंस कनकेव अवतल नहीं है, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा सीधी इमेज बनाता है। देखो मैंने आपके सामने पहले से बना के रखा हुआ है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखना बच्चे, अगर बच्चे कनकेव लेंस है अवतल लेंस, ध्यान से देखना, कनकेव लेंस अवतल लेंस, लेंस में तो बच्चे यहां देखना, लेंस में तो कनकेव अवतल और मिरर में दर्पण में उत्तल, इन दोनों के खास बात है। अगर दर्पण उत्तल है तो ये बच्चे हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है, ऑल इमेजेस आर इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाएगा। लेकिन जो कनकेव लेंस है अवतल लेंस, लेंस हमेशा सीधी और छोटी बनाएगा, तो लेंस में तो कनकेव अवतल लेंस कभी उल्टी इमेज नहीं बना सकता, दर्पण में यही काम करता है कॉनवेक्स, कॉनवेक्स भी कभी उल्टी इमेज नहीं बना सकता, तो हमारा काम हो गया। तो जैसे मुझे पता चला कि बच्चे जो मेरे पास लेंस है ये तो उल्टी इमेज बना रहा है, यानी कनकेव तो नहीं है, ये कॉनवेक्स लेंस है, ये उत्तल लेंस है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि लेंस कौन सा है। आप कहेंगे ये है कॉनवेक्स उत्तल लेंस। अब लेकिन यहां पर देखो बच्चे, उसने एक गेम और खेल दिया आपके लिए, वो गेम ये खेल दिया कि उसने ना यहाँ पे कॉनवेक्स लिखा ही नहीं है, वो क्या लिख रहा है, कन्वर्जिंग अभिसारी, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो फिर आपको पता होना चाहिए, फिर से देखो यहाँ पे, ये बच्चे कॉनवेक्स लेंस है और आपको पता होना चाहिए कि कॉनवेक्स लेंस उत्तल लेंस जो होता है बच्चे कन्वर्जिंग होता है, प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करता है, तो कॉनवेक्स लेंस करता है प्रकाशीय किरणें इकट्ठी, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो 100% अगर ये कॉनवेक्स लेंस है या तो हमारा आंसर ए है, ये हमारा आंसर सी है, बी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? आप ये समझो कि अगर इमेज उल्टी बनी है तो उल्टी इमेज तो केवल लेंस में कॉनवेक्स उत्तल बना सकता है, कनकेव तो सीधी इमेज बनाता है, तो कनकेव लेंस तो नहीं है, कॉनवेक्स है, और कॉनवेक्स बच्चे होता है कन्वर्जिंग, ये प्रकाशीय किरण इकट्ठी करता है, ये होता है अभिसारी। अब आगे देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे बड़े ध्यान से देखना, इसने बोला कि इमेज बनी सेम साइज की, बच्चे कॉनवेक्स लेंस सेम साइज की इमेज कब बनाता है, कॉनवेक्स लेंस बच्चे सेम साइज की इमेज देखो कब बनाएगा। यहां देखो, अगर कोई वस्तु बच्चे रखे 2F पर, अगर कोई वस्तु 2F पर रखे, कौन सा नंबर है 3, अगर कोई वस्तु 2F पर रखी है, सर्कल कल बताया था मैंने होता ऑब्जेक्ट के लिए, सर्कल है ऑब्जेक्ट वस्तु के लिए, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, 2F पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी, तो कॉनवेक्स लेंस सेम साइज की इमेज तब बनाएगा
जब वस्तु 2F पर रखी हो तो उसने कहा कि वस्तु रखिए 10 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु रखिए बच्चे 10 सेंटीमीटर दूर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु 2F पर रखी है तो फोकल लेंथ कितनी बनेगी, 5। भाई अब बस क्वेश्चन पे आ जाओ, उसने क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चे 5 सेंटीमीटर। जो बच्चे सी बता रहे हैं इसका मतलब है कि उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन इसका सही होगा। भाई वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है और सेम साइज की इमेज बन रही है, तो कॉनवेक्स लेंस सेम साइज की इमेज तब बनाएगा अगर वस्तु 2F पर हो, तो 2F तक की दूरी 10 है तो F तक की कितनी बनेगी 5 बनेगी। तो जिन्होंने इसका आंसर लिखा है ए, जैसे प्रेम यदुवंशी, सुकंका तोमर, इन सबका बिल्कुल ठीक है, इधर नीतू शर्मा, हंसराज, इन सबका ठीक है। जो बच्चे 20 कह रहे हैं उनका गलत है। भाई एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में इतना आसान क्वेश्चन पूछा कि कॉनवेक्स लेंस, उत्तल लेंस आपको 20 बार बताया था मैंने कि कॉनवेक्स लेंस के एक खास बात है, अगर इसके सामने वस्तु रखी है 2F पर, अगर वस्तु रखी है 2F पर तो इमेज भी कहां बनेगी 2F पर, और बनेगी उल्टी और सेम साइज की। तो वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो 2F तक की दूरी 10 होगी, तो फोकल लेंथ फोकस तक की दूरी तो 5 ही बनेगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए है, तो बढ़िया क्वेश्चन था यूपीएससी का। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कल ही डिस्कस किया और ये पेपर में आया उसी टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग थी। ए और बी ऑप्शन दिखा रहा हूं मैं, इनमें से आंसर है, सीओडी बाद में दिखाऊंगा। इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ए शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन इज करेक्ट। कल ऐसा क्वेश्चन कराया था और ऐसे क्वेश्चन कल आ रखा था पेपर में। एक दूरदर्शी व्यक्ति, हिंदी वाले याद रखना, ए दूरदर्शी का मतलब यह है कि जो व्यक्ति दूरदर्शी ना हो, जिसे दूर का सांप ना दिखता हो, तो ए दूरदर्शी का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष वाला। ए दूरदर्शी का मतलब है जिसे दूर का सांप ना दिखे, निकट का सांप दिखे। तो मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस को मैंने कल बोला था, इसे मायोपिया कहते हैं हम, मायोपिया। तो अगर एक व्यक्ति को मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को मैंने कल क्या बताया था कि नियर की वस्तुएं साफ दिखती हैं। ए शॉर्ट साइटेड पर्सन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर्ड। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देंगी, और इसे दूर करने के लिए मैंने कल बताया था कि कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव। क्या क्लास में क्वेश्चन पढ़ा रखा कि नहीं पढ़ा रखा, हालांकि तो आसान ही है, सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की चीजें साफ दिखती हैं। तो वही लिखा इसने कि ए दूरदर्शी व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है। अरे ये क्या हो गया भाई, वन सेकेंड, एक सेकेंड, ये भाई क्या हुआ है अभी, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, आ गया, सॉरी, ओके आ गया, ठीक है। तो ये अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, धनी का अजीब सा हो गया था भाई, इसके बच्चे सी और डी ऑप्शन ही है, इसे बाद में आप पीडीएफ में देख लेना सी और डी ऑप्शन को, ठीक है। तो सी और डी ऑप्शन को आप देख लेना बाद में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बताना विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, निम्न में से कौन एक दीप्त वस्तु नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि 10th क्लास वाला बच्चा जरूर आंसर दें, उनके बाद मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई है, बाकी मैं तो हल्का सा मैंने जिक्र ही किया है, करना है। एक सेकंड रुको, तो देखो बच्चे बिल्कुल सही आंसर दिया यहां पे 10th वालों ने, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूमिनियस। देखो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बच्चे वो होते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश हो, खुद का, लेकिन यहां पे लिखा है जुपिटर बृहस्पति, तो बृहस्पति एक प्लेनेट है, ग्रह है, जैसे पृथ्वी ग्रह है, तो पृथ्वी के पास क्या अपना खुद का प्रकाश है, नहीं, तो कोई भी प्लेनेट होगा उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा बच्चे, जुपिटर। तो ल्यूमिनियस जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो है जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो। अच्छा इस क्वेश्चन में आप कब फंस जाते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताओ कि मून जो है
ये दीप्त है कि अदीप्त है, मून लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ये दीप्त है कि नहीं है, ये बताओ है या नहीं है, आपको क्या लगता है? मून चांद के बारे में अगर पेपर में पूछ ले आपसे कि मून एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे जी नहीं, चांद के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश चांद पर टकराता है और वो रिफ्लेक्ट परावर्तित होता है, तो चांद भी नहीं आएगा। याद रखना, कोई भी प्लेनेट आ जाए उसे आप लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ग्रहों के पास जो उसका जिस तारे के चक्कर काट रहे हैं उसका प्रकाश होता है, तो चांद भी लुमिनियस नहीं है। तो ये तीन क्वेश्चन आए थे पेपर में, भी ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप करें, और ऑप्शन का यूज करके, पूरा कॉन्सेप्ट से नहीं करना, भी केवल ऑप्शन का यूज करके करो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चार, कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन देखने में न्यूमेरिकल टाइप का लगेगा, उसे मैं करा दूंगा वैसे भी, पर आप इसे पहले ऑप्शन से करें एक बार। पीडीएफ भाई आपको यहां मिल जाएगी, बच्चे जो पीडीएफ कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। अंकुर सर फिजिक्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लो, इसमें लगभग है कोई 32,000 बच्चे, इस चैनल को ज्वाइन करना। जो बच्चों ने फर्जी बना रखे हैं 1,000-2,000 वाले, उसे मत करना, उसमें आपको क्लास खत्म होते पीडीएफ मिल जाएगी। देखो इसने कहा बच्चे आपसे, ए पेंसिल ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। याद रखना, उत्तल दर्पण मैंने आपको क्लास में आते ही बताया था, दोबारा दिखा देता हूं जो भूल गए हैं बच्चे। मैंने कहा था आपसे कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण और लेंस में कनकेव, अवतल तो लेंस और उत्तल दर्पण हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाते हैं, तो अगर ये सीधी और छोटी इमेज बनाएगा इसका मतलब है कि उल्टी इमेज तो ये बना ही नहीं सकता, तो जिस ऑप्शन में उल्टा लिखा है वो ऑप्शन कर दो बाहर। यहां लिखा है इनवर्टेड, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहां लिखा है उल्टा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहां लिखा है उल्टा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है इसकी जो औकात है उत्तल दर्पण की, याद रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है, और सीधा प्रतिबिंब मैंने कहा था हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल आभासी, तो ये हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और साथ में खास बात और याद रखना, जो कल पढ़ाया था, जो बच्चे कल आए थे, ये हमेशा इमेज बनाता है हमेशा छोटी, जितनी बड़ी वस्तु है उससे हमेशा इमेज छोटी बनाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख के घबरा जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो अगर किसी को छोटी सी भी इंफॉर्मेशन होती कि उत्तल दर्पण है लेंस नहीं, बच्चे देखो ध्यान से पढ़ना कि मिरर है पेपर में कि लेंस है, तो दर्पण में तो कॉन्वेक्स और लेंस में कनकेव, तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण हमेशा सीधी इमेज बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप पूरा डिटेल में करना चाहो तो मैं बता देता हूं, इसने बोला कि कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, और इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक वस्तु रखी है बच्चे 5 सेंटीमीटर दूर, ये 5 सेंटीमीटर दूर रखी है। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे होगा, अब डिटेल देख लो। तो बोल रहा है कि रेडियस कितनी है बच्चे, 20। अगर रेडियस 20 होगी तो आप सभी को पता है कि फोकल लेंथ रेडियस की आधी होती है, कल पढ़ाया था, तो कितनी आ जाएगी 10। और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, उत्तल शब्द देखते ही लेंस हो चाहे दर्पण हो फोकल लेंथ आएगी प्लस की। वस्तु कितना दूर रखे, याद रखना इधर होता हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता प्लस, तो हमेशा वस्तु को हम रखेंगे लेफ्ट पे, और वस्तु की जो दूरी होती है उसे लिखते हैं यू से, यू की वैल्यू आएगी आपकी -5, यू की वैल्यू हमेशा 5 लेंगे, यू का मतलब है वस्तु कितना दूर रखी है, और आपको बताना है कि इमेज कितना दूर बनेगी। तो मिरर फॉर्मूला लगा लो बच्चे, मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u (+). अगर लेंस होता तो लेंस फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है, दर्पण में आता है प्लस। अब आपके पास सब कुछ है, एफ की वैल्यू कितनी है +10, यहां पुट कर देना, वी का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, यहां पर रख देना, वी निकालना ही आपको, यू की वैल्यू है -5, सोल्व करोगे तो आपको 10/3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट यह है कि रेडियस दे रखी है तो फोकल लेंथ उसकी आधी होगी, दूसरा वस्तु कितना दूर रखी है 5 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु जितना दूर होती है उसे लिखते हैं हम यू से, और यू के लिए हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे हम, और वी आपको निकालना है, तो मिरर के फॉर्मूले में यू भी दे रखा है -5, फोकल लेंथ दे रखी है +10, वी निकाल लेना आ जाएगा। ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लॉजिक से कर सकते हो, केवल लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कृष्ण मीणा जी लगातार हमें आंसर दे रहे हैं, BSL2 सागर 123 भी आंसर दे रहे हैं, अर्जुन रे जी मैंने बताया, तो भाई ये पीडीएफ आपको भी सॉल्यूशन मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल, अंकुर सर फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। हाँ। सार्थक नागर, थोड़ा सा बच्चे आपने गड़बड़ लिखा सार्थक,
बाकी ठीक था। बच्चे यहाँ पे देखो, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू लाइक वाइल रीडिंग द लोअर केस लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। शब्दकोश में पाए जाने वाले लोअर केस अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करोगे। ये किसी भी पेपर में आ सकता है, इवन एसएससी में भी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बच्चे इसने कहा कि अगर आपको बहुत छोटे छोटे लेटर पढ़ने हैं तो आप किसका यूज करोगे। तो मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि लेंस में कनकेव लेंस तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो ये तो छोटे अक्षरों को और छोटा कर देगा, तो अवतल लेंस तो हम यूज नहीं कर सकते, यानी बी ऑप्शन नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। भाई कनकेव लेंस हमेशा बनाता है छोटी इमेज। दोबारा दिखा देता हूं, और कोई भूल गया, कोई लेट आया तो दोबारा दिखा देता हूं कि कनकेव लेंस अवतल लेंस, कनकेव लेंस के द्वारा हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनती है, ऐसे उत्तल दर्पण के द्वारा भी सीधी और छोटी बनती है। तो कनकेव लेंस तो बच्चे सीधी और छोटी इमेज बनाता है, तो कनकेव लेंस तो और छोटा कर देगा, तो कनकेव तो आंसर नहीं हो सकता। अब कॉनवेक्स हो सकता है, उत्तल, उत्तल एक ऑप्शन ये एक ही है। अब किसका यूज करें भाई, मैं उस लेंस का यूज करूंगा ना जिसकी पावर ज्यादा होगी, जो ज्यादा बड़े बड़े शब्द दिखाए। और पावर का फॉर्मूला पता आपको, पावर होती है 1/ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में रखनी होती है, मीटर में। बस हमारा काम हो गया, जितनी कम फोकल लेंथ होगी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे ऑप्शन देखूं, इसमें तो 50 सेंटीमीटर है और इसमें कितनी है बच्चे 5, तो अगर फोकल लेंथ कम आएगी, नीचे की वैल्यू कम होगी, तो पावर ज्यादा होगी, यानी मेरा आंसर क्या है, सी, 5वे का सी। कितने बच्चों ने किया, 5 का सी, शिव पूजन यादव। और अपना स्कोर देखते रहना, लास्ट में पूछूंगा कितना स्कोर आया आज, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कहीं है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आज चौथा प्रैक्टिस सेट है लाइट का ही, तो रोज वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं रखेंगे, थोड़े से बीच बीच में न्यूमेरिकल भी आने लगेंगे। अब तो अपना ईमानदारी से लास्ट में मुझे बता के जाएंगे कि 30 में से कितना स्कोर बना। ये क्वेश्चन मुझे बताओ कि कॉन्सेप्चुअली समझ में आया कि नहीं आया, कि हमने कनकेव लेंस का यूज क्यों नहीं किया। अवतल लेंस तो सीधा और छोटा दिखाता है, ठीक है, लेकिन अब ये तो छोटा ही दिखाता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस उल्टी इमेज भी बनाता है और सीधी भी। कॉन्वेक्स सीधी और बड़ी बनाता है, तो कॉन्वेक्स को मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, इसे याद रखना, कॉन्वेक्स को मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि चीजों को बड़ा करके दिखा सकता है, अवतल नहीं दिखा सकता। तो उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, अगला आगे क्वेश्चन आएगा ये, मैग्नीफाइंग लेंस, आवर्धक लेंस भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाई कहते हैं, बड़ा करके दिखाता है ये। फोकल लेंथ कम होगी तो पावर आएगी ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका मैंने अभी जिक्र किया था, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कोई गलत ना करे। द फोकस डिस्टेंस ऑफ बोथ ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस आर -15 सेंटीमीटर, मिरर एंड लेंसेज आर पॉसिबल। गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकल दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण और लेंस क्या संभव है। ये कह रहा है कि मिरर है एक, दर्पण है, और ये कह रहा है कि एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन कन्वेक्स है और कौन कनकेव है, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, आरिफ, अंकित करो, आरिफ जफर तो खतरनाक है, मुझे पता है कर ही लेगा ये, ग्रीस, छोटी यादव, अंशिका सर क्लास 11 12 पढ़ाते हो क्या, 11th क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, अजीत, कुणाल, लोकेशन, भाई देखो ये बच्चे ऐसे, अरे भाई अभी बताया था मैंने कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, तो अगर नेगेटिव है तो कनकेव होगा, वो कनकेव है दोनों के दोनों। फोकल लेंथ बच्चे नेगेटिव लेते हैं कनकेव की, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। अगर आपने कनकेव अवतल देख लिया, कनकेव अवतल वो दर्पण है चाहे वो लेंस है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है किसी भी पेपर में। अवतल लेंस अगर है तो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव ही होगी, तो कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चे, नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसकी होती है पॉजिटिव। बताओ ये क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं कुछ तो, अगर ये तुमने गलत करा भाई फिर तो हद हो जाएगी। फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस विद ए फोकस डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो ये कह रहा है कि फोकस डिस्टेंस यानी कि फोकल लेंथ 2 मीटर की है, तो पावर बताओ क्या होगी, किसकी, कनकेव की। अच्छा कनकेव की बच्चे फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर भी नेगेटिव आएगी, याद रखना इसकी पावर भी नेगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नेगेटिव वाला नहीं दे रखा, तो यानी उसने खाली मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे। देखो अभी पावर का फॉर्मूला 1 सेकंड पहले बताया, क्या होती है 1/f, फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। इतना सुंदर क्वेश्चन है कि मीटर में ही दे रखी है, तो 1/2, तो कितना आ गया 0.5 डायोप्टर। पावर को नापते हैं बच्चे डायोप्टर में, तो याद रखना जो पावर होती है लेंस की पावर उसे नापते हैं डायोप्टर में, तो डी डायोप्टर के लिए है ये। तो क्या आंसर हो गया इसका हमारा, ये तो इसे आप लिख सकते हैं 0.5 डायोप्टर, ठीक है 0.5 डायोप्टर, 7वें का ये, सबका ठीक है ये। देखो अगर यहाँ पे गलती से अगर आपको बच्चों सेंटीमीटर दे देना कभी फोकल लेंथ, तो उसे आप मीटर में बदल लेना, या आप एक काम करना
ऐसे याद रखो कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ मीटर में है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा हो ना तो ऊपर 100 लिख लेना फिर, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 है, फोकल लेंथ मीटर में है तो ऊपर 1 है। अगला क्वेश्चन, एक कनकेव मिरर क्रिएट्स अ रियल एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, हाउ फार इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का वास्तविक और 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब की दर्पण की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या है। जिन्होंने मेरे से क्लास ली है वो बच्चे कर लेंगे भाई, बाकी अपने देख लो क्या पढ़ाया तुम्हारे मास्टर ने, कर पाओगे कि नहीं भाई। कुलदीप कह रहे हैं कि सर आप इतने बड़े पढ़ाते हो तो इतने कम लाए, भाई इसके लिए आप शेयर वेयर क्या करो, बाकी आपको पता है कि बच्चे जहाँ पे केवल पढ़ाई पढ़ाई की बात होती है ऐसे जगह पे उन्हें ज्यादा मजा नहीं आता, उन्हें थोड़ा आजकल बच्चों को यूट्यूब पर आदत पड़ गई है शेरो शायरी सुनने की, चुटकुले सुनने की, फालतू की बकवास सुनने की, वो अपने सो नहीं पाएगी। यहाँ देखो, इसने कहा बच्चा कि एक कनकेव मिरर क्रिएट्स अ रियल एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, उसने कहा बच्चे कि एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का वास्तविक और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब का मतलब है कि मैग्निफिकेशन हो गई 3। भाई कल मैंने आपको बताया था अगर कोई मिरर 5 फुट के व्यक्ति को 10 का दिखा दे, दुगुनी लंबाई दिखा दी तो उसकी मैग्निफिकेशन 2, क्लास में पढ़ाया है, अगर 3 गुना बड़ी इमेज बन रही तो मैग्निफिकेशन हो गई 3। अब ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये भी बताया था मैंने कल आपको, मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होगी सीधी इमेज के लिए और उल्टी इमेज के लिए होगी निगेटिव। अब यहाँ सीधा उल्टा तो लिखा नहीं है पर लिख रखा रियल, और रियल इमेज आपको पता है कि नहीं पता है कि रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता उल्टा, तो मैग्निफिकेशन दे रखी है -3। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन तो -3 आ गई। अच्छा दूसरी चीज क्या बच्चे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ये दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण है ना मिरर, तो मिरर की मैग्निफिकेशन होती है -V/U, तो हमारा काम हो गया, तो मैग्निफिकेशन है -3, ये -V/U, तो ये इससे कट गया, तो V की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई आपकी 3U के बराबर, तो V आ गया आपका 3U के बराबर। ठीक है, तो बोल रहा कि और वस्तु कितना दूर रखे बच्चे 10 सेंटीमीटर दूर, तो U की वैल्यू ले लेते हैं -10, तो V कितना हो जाएगा बच्चे आपका -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं, तो U की वैल्यू -10, तो V की वैल्यू आ गई -30, तो 8वें का आ गया सी ऑप्शन। अब देखो बहुत सारे बच्चों को तो ये स्टेटमेंट ढूंढना ही भारी हो जाएगा कि मैग्निफिकेशन -3 कैसे आई, इमेज 3 गुना है तो आवर्धन क्षमता 3 हो गई, दूसरा इमेज उल्टी है पता कैसे चला, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है तो -3 आ गया। ठीक है, और बस यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, U है वस्तु की दूरी, V है प्रतिबिंब की दूरी, तो U दे रखा है -10, तो V की वैल्यू आ गई -30। अगले बात है, इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, एक ऑप्शन लिखा है। अब मैं चाहूंगा कि इसमें आप 2-3 ऑप्शन खुद से बाहर निकालो, पहले ऑप्शन बाहर निकालो, मैं देखता हूं कि आप ऑप्शन बाहर निकालना सीख रहे हो कि नहीं। हाँ नारायण प्रताप सिंह जी कह रहे हैं भाई, 9th का देखो अभी तो भाई मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो 9th का मैं कह नहीं सकता हूं, आप अलग अलग जगह से देखो। सबसे पहले बच्चे याद रखना, अगर कोई इमेज रियल है वास्तविक है तो हमेशा उल्टी होगी, तो उल्टा प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन पेपर में बहुत सारी बातें याद नहीं रहेंगी, पर छोटे छोटे फैक्ट याद रखो कि उल्टी इमेज तो हमेशा कैसे होती है, रियल इमेज होती है हमेशा इनवर्टेड, उल्टा प्रतिबिंब बच्चे सीधा नहीं हो सकता, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है हमारा सही। अच्छा यहां देखते हैं, रियल इनवर्टेड यहां तक तो ठीक है, तो रियल इनवर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट व्हेन इट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, वास्तविक उल्टा वस्तु के समान आकार का। कल मैंने कनकेव मिरर में पढ़ाया था कि कनकेव मिरर समान आकार का प्रतिबिंब तब बनाता है, कनकेव मिरर समान आकार का प्रतिबिंब कब बनाएगा याद करो कल की क्लास, कनकेव मिरर समान आकार का प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, जब वस्तु कहां रखी हो वक्रता केंद्र पर, तो ये ऑप्शन भी गलत है। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बिल्कुल सही है। देखो अगर वस्तु सेंटर से परे रखी हो, मैं यहाँ पे पहले ही बना रखा मैंने आपके लिए कनकेव मिरर, बाकी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, कनकेव मिरर बच्चे रहा, अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे रखी है, जैसे ये कौन सा नंबर है आपका 2 नंबर, तो 2 नंबर की इमेज क्या बन रही है बच्चे, 2 नंबर की इमेज उल्टी भी बन रही है
और उल्टी इमेज कैसी होती है आपकी रियल, और तीन नंबर से छोटी है, तीन नंबर वाली होती है सेम साइज की, तो साइज छोटा भी है, तो बिल्कुल सही है। जिन्होंने क्लास ले रखी है उन्हें फटाफट रिवीजन हो रहा होगा उनका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये तो सभी कर लेंगे, जो नहीं पढ़ा थ्योरी क्लास मेरे से वो भी कर लेगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 करना सर, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? अमरजीत दीवाना भाई बताए तो, लग रहा आप लेट आए हो। एक तो ना ठीक टाइम पर आया करो, 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 10 बजे आया करो, पीडीएफ मिलेगी इस पे। ये अंकुर सर फिजिक्स के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर अंकुर सर फिजिक्स बिना स्पेस दिए एक साथ लिख देना, मिल जाएगा आपको चैनल। और मैंने कहा कि बहुत सारे फर्जी चैनल भी बना रखे हैं बच्चों ने, तो इसमें लगभग 32,000 बच्चे हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना भाई, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू मिरर्स प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये कह रहा है कि दो मिरर आपके रखे हैं बच्चे, कैसे, राइट एंगल पर 90 डिग्री पर, दो प्लेन मिरर हैं, समतल दर्पण की बात हो रही है, दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, तो इनके बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसकी कितनी इमेज बनेगी? तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, 360 / θ - 1। तो दो दर्पण के बीच का कोण कितना है, थीटा कितना दे रखा है, 90 - 1, भाग करेंगे चार में से एक गया तो आएगा 3, इमेज बनेगी 3। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका आंसर है, 360 / θ - 1। ये सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो नंबर ऑफ इमेज बनने का फॉर्मूला क्या होगा, 360 / θ - 1, ठीक है। अगला, अच्छा कल मैंने जिक्र किया था, द हेड मिरर यूज बाई ENT डॉक्टर, नाक कान गले का डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट, देखता हूँ कितनों को याद है, ये जान पूछ के ऐड करवाया मैंने, क्या आप कल की क्लास भी आपको ध्यान है कि नहीं, SSC वाले बच्चे बताएंगे ये सब याद है। अरे वाह, नारायण, प्रेम, यदुवंशी, उदय प्रताप, प्रकाश, नीतीश, मनीष कुमार सैनी, हंसराज, मोहम्मद इम्तियाज, रुपेश महतो, और जितने बच्चे भी देख रहे हैं भैया लाइक वाइक ठोक दिया करो, और ये सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो मैं बताना पड़ता है, ये करना बहुत जरूरी है, इससे मोटिवेशन मिलता है टीचर को, हाँ भाई कि कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, मैंने कल बताया था ना तुम्हें, नाच गाने वाले चैनल जल्दी सब्सक्राइब करते हैं, उसमें ज्यादा मजा आता है ना, या तो दिमाग पे जोर पड़ता है। तो नाक कान गले का डॉक्टर कौन सा मिरर यूज करता है बच्चे, कन के मिरर, अवतल दर्पण। नाक कान गले का डॉक्टर आ जाए, चाहे मैंने कहा था कि डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक आ जाए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं उनका मैं, डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक भी आ जाए चाहे, दोनों यूज करते हैं कन के मिरर का, हालांकि ये तो आपने याद कर ही लिया होगा। चलो अगला, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू मेक पेरिस्कोप, बताया था आपको क्लास में पेरिस्कोप क्या होता है। अगर मान लो कि सबमरीन है, पनडुब्बी, और सबमरीन के आपको पनडुब्बी तो पानी के अंदर है, उसके बाहर का देखना है, तो बच्चे हम पेरिस्कोप यूज करते हैं। तो पेरिस्कोप में मैंने बताया था कि ये कुछ ऐसा होगा, इसमें दो प्लेन मिरर समतल दर्पण लगाए जाएंगे, एक दूसरे के पैरलर, एक दूसरे के समांतर, एक मिरर ये है, एक ये बिल्कुल पैरलर होंगे, पैरलर। मान लो यहाँ पे आपकी आंख है और यहाँ पे कोई जहाज वगैरह है, ये तो इसकी इमेज पहले बनेगी बच्चे इस वाले मिरर में, और फिर इस वाले मिरर से इमेज बनेगी यहाँ पर, और ये आपकी आंख के सामने आप देख लोगे, तो ये जहाज पहले यहाँ बना, फिर इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ और आप देख लोगे। तो पेरिस्कोप में यूज करते हैं हम प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का, ये क्लास के अंदर पूरा जिक्र किया गया है इसका, कि पेरिस्कोप के अंदर प्लेन मिरर का यूज करते हैं। एक बार सीरियस में आया था कि पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के समांतर होते हैं, पैरेलल। सरफेस से सतह से तो 45 डिग्री का कोण है, सरफेस से तो 45 का कोण है, पर आपस में कैसे हैं, आपस में पैरेलल समांतर होंगे दोनों के दोनों, तो पेरिस्कोप प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। अगले बात है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन एंटी सोप लिफ्टिंग डिवाइस, दुकानों में सामान उठने से बचने के लिए लगाए गए उपकरणों में प्रयुक्त होता है। मैं चाहूंगा कि ये आप मुझे बताओ, क्लास में करा रखा है मैंने, पर इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता है एग्जाम वगैरह में इतना खास, तो इसलिए बच्चे कई बार भूल जाते हैं। देखो बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि दुकानों में कई बार एक मिरर लगा लेता है दुकानदार, ताकि उस मिरर के अंदर पूरी दुकानों से दिखती रहे, दुकान में ज्यादा एरिया कवर करना चाह रहा है वो, तो बताओ कि दुकानों के अंदर जो मिरर लगे होते हैं ताकि उनका सामान उठने से बच जाए, कौन सा मिरर होता है वो, इधर देखते हैं कुछ के। चलो अंदाम पढ़ते हैं, रोहित, नितेश, लोकेश, नेहा, रोहित सिंह, डीके पटेल, संध्या देवी, रुपेश महतो, इम्तियाज, हंसराज, नीलू, कृष्णा मीणा, संध्या, उज्जवल, आशुतोष, कमलेश, आरिफ, पंकज, पिंकी, नरेश, नारायण, ठीक है अब पढ़ने भारी हो गए बच्चे। वो मिरर होता है कॉनवेक्स, देखो कॉनवेक्स मिरर ध्यान रखना,
कॉनवेक्स मिरर, मैंने आपको बताया कि कॉनवेक्स हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है, तो ये ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। तो कॉनवेक्स मिरर को हम हमेशा वहां लगाएंगे जहां मुझे ज्यादा व्यू कवर करना हो, जैसे बाइक में, गाड़ी में साइड वाला मिरर, पीछे का पूरा ट्रैफिक कवर करना है तो कौन सा मिरर होगा, कॉनवेक्स। मान लो कि बच्चे मुझे क्या करना है कि मुझे पूरी दुकान कवर करनी है एक दो मिरर में ही, एक मिरर इधर लगाया एक इधर, तो पूरी दुकान कवर होगी, देखता रहूंगा अच्छा कोई सामान तो नहीं उठा रहा। तो सोप लिफ्टिंग जो डिवाइस होते हैं, एंटी सोप लिफ्टिंग डिवाइस, उनके अंदर लगाया जाता है कॉनवेक्स मिरर उत्तल दर्पण, इसे ध्यान रखेंगे। अगला, व्हाट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस लिखा है, चाहे लेंस लिखा है तो उसकी पावर क्या होगी बताओ। तो कनकेव लेंस आपको पता ही है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव और पावर भी क्या होती है, नेगेटिव। ये केवल आपके चेक करने के लिए कि कितना आपको ध्यान है, ये बीच में जबरदस्ती डाला गया। रोहित सिंह कह रहे हैं नए नाम ले लें, साफ नहीं आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, इतने बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं। जफर, शेखर, अनिष्का, विवेक, कमलेश, अर्जुन, छोटी, अंजीत, सुनील, आरिफ, कुणाल, नेहा, उज्जवल, नेहा कुमारी। चलो अगले पर आते हैं। द मिरर यूज फॉर हेडलाइट ऑफ ए कार। देखो ये गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा होता है, बस इसे थोड़ा सा ऑप्शन से देखो, ये कल आया था पर थोड़ा ऑप्शन पे भी निगाह मारना, ध्यान से करना है क्वेश्चन। गाड़ियों की हेडलाइट के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। देखो बच्चे गाड़ियों की हेडलाइट में लगा होता है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, लेकिन यहाँ पे कनकेव के दो ऑप्शन है। अगर बच्चे कनकेव आपके, आपको दो ऑप्शन मिल जाए, एक स्पेरिकल और एक पैराबोलिक, तो जो पैराबोलिक परवलयाकार अवतल दर्पण होते हैं ना, ये ज्यादा बेस्ट होते हैं। तो अगर पेपर में कभी आपको स्पेरिकल कनकेव और पैराबोलिक कनकेव में ढूंढना पड़ जाए, तो आप टिक लगाएंगे पैराबोलिक कनकेव पर, ये ज्यादा अच्छे से लाइट को कन्वर्ज करेंगे, आपकी गाड़ी के सामने फेंकेंगे, ज्यादा अच्छे से चमक लगेगी आपकी गाड़ी के सामने, तो इजीली आप गाड़ी चला पाओगे। तो गाड़ियों की हेडलाइट में आजकल जितनी भी लेटेस्ट गाड़ी आ रही है, सब में पैराबोलिक कनकेव मिरर होते हैं, याद रखना। जल्दीबाजी में बच्चे कनकेव देखकर यहाँ पर टिक लगा देते हैं, पैराबोलिक कनकेव मिरर ज्यादा बेस्ट आंसर है। अगला, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर। क्लास में 6 फैक्ट पढ़ाता हूं मैं प्लेन मिरर के एक साथ, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि प्लेन मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या याद करो क्या होगी। ये यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन है 0, इन्फाइनाइट, शून्य और अनंत के बीच कहीं भी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आप लोग जितने भी ऐसे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में कहीं पर जुड़े रहते होंगे या अपने अपने आपस के ग्रुप बना रखे होंगे, तो वहां पे ना ये वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो, जैसे क्लास से पहले भी या जो भी ऐसे भी आपको लगे। और पीडीएफ तो मैं आपको इसकी विद सॉल्यूशन जो मैंने टिक लगा रखे हैं उसी सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगी। देखो बच्चे प्लेन मिरर जो है बच्चे, ये तो बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है, और मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज बिल्कुल फ्लैट हो, देखो रेडियस होती है कर्व चीजों की, कर्व चीज जैसे कि बॉल हो गई, गोला हो गया, इनकी होती है रेडियस। अगर कोई बिल्कुल फ्लैट चीज है तो उसकी रेडियस कितनी होती है, इनफिनाइट, अनंत, अनंत होगी उसकी रेडियस। प्लेन मिरर के बच्चे 5 फैक्ट आपको भी बता देता हूं मैं, जो बच्चे क्लास में नहीं है मेरी। प्लेन मिरर की पावर होती है, शक्ति होती है 0, इसकी रेडियस होती है अनंत, इसकी फोकल लेंथ, फोकल दूरी भी होती है अनंत, इसका फोकस होता है अनंत पर, इसकी आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन होती है +1। ये 4-5 बात याद कर लेना, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े ध्यान सुनो, इसकी आवर्धन क्षमता +1 होगी, इसका फोकस अनंत पर होगा, फोकल दूरी अनंत होगी, रेडियस अनंत होगी, पावर 0 होगी। ठीक है, अगले बार जाओ। An object is placed at the focus of a concave mirror, the image will be। अच्छा कोशिश करो उनमें से एक दो ऑप्शन बाहर निकालने का, जब भी ऑप्शन दिखे ना, रियल, इन्वर्टेड, रियल, अपराइट, अपराइट मतलब सीधा, इनमें से एक दो ऑप्शन बाहर निकालो, कम से कम ये देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर पेपर में कुछ भी याद ना आए, आप 100% दो ऑप्शन बाहर निकाल दोगे। दो ऑप्शन बाहर निकालना पहले। कुलदीप कह रहे हैं मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ी है फुल फीलिंग के साथ। जो बच्चे थ्योरी बैच के पढ़े हुए, देखो उन्हीं के लिए स्पेशली ये काम किया गया है, क्योंकि थ्योरी अब मैंने इतनी पढ़ाई तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए पढ़ाई कंप्लीट से नहीं है। अगर आप चाहे मैथ है, जैसे मैथ में टीचर ने आपको क्लास में करा दिया, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको फीलिंग नहीं आएगी। ऐसे साइंस का भी है, ऐसे रीजनिंग का भी है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। दिक्कत क्या है साइंस वाइंस में ना, बहुत सारी जो किताबें हैं बहुत नकली सी हैं, SSC, CDS, NDA वाले क्षेत्र में, उन्हें बहुत सारे आपको आंसर गलत मिल जाएंगे, या आप उन्हें पढ़ लोगे पर आपको एक्सप्लेनेशन देखकर भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बताना भी जरूरी है। देखो सबसे पहले देखो ये हमारा ऑप्शन गलत, ये तो हो नहीं सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता उल्टा, रियल इमेज होती है हमेशा इन्वर्टेड उल्टी, तो ये तो आंसर नहीं है।
सीधा प्रतिबिंब होता है आभासी, तो उल्टा प्रतिबिंब तो वास्तविक होता है, तो वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसने बोला रियल इन्वर्टेड सेम साइज की इमेज कनकेव मिरर तब बनाता अगर वस्तु रखे हो सेंटर पे, आज ही आया था क्वेश्चन, तो ये भी आंसर नहीं है। रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज एट इन्फिनिटी, अगर वस्तु रखिए बच्चे फोकस पे, कनकेव मिरर इमेज बनाएगा अनंत पर, और उल्टा रियल इन्वर्टेड यहां तक सही है, और बहुत ही बड़ा, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। 18वें पे आ जाओ, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज क्रिएटेड बाय कनकेव लेंस, बहुत देर से बता रहा हूं कि अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अब देखता हूं कितना याद है। अवतल लेंस कनकेव लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है बताओ, बहुत देर से जिक्र कर रहा हूं मैं कि लेंस के अंदर अवतल और दर्पण के अंदर उत्तल, तो कनकेव लेंस हमेशा, देखो एक तो याद रखना कनकेव लेंस हमेशा बनाता है सीधी और छोटी इमेज, तो अपराइट और छोटा, अपराइट को कई बार इरेक्ट भी लिख देगा वो, सीधा और छोटा। 18वें का डी किस किस का रहा है, कभी स्टार्ट हुई क्लास किसी को पता है, 10 बजे से भाई डेली 10 बजे क्लास होती है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा पीडीएफ के लिए ये आपके पास है, पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर जो मैंने टिक लगाया है उसी सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। अगला, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ए व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ ए व्हीकल, अभी तो जिक्र किया इसका हमने कि वाहनों में व्यू फाइंडिंग मिरर यानी कि पीछे का दूर तक का देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दर्पण का योग कौन सा, ये याद रखना कभी ना कभी आपको पेपर में मिलेगा, बहुत आता है ये कि व्हीकल में कौन सा मिरर लगाते हैं, जिक्र किया था इसका बताओ, स्कोर पूछूंगा बाद में जो बच्चे शुरू से बैठे हैं, और पीडीएफ का आपको देखो लिंक भी दिख रहा होगा लगातार, ठीक है, हमको सर फिजिक्स के नाम से इस पे आ जाना। बच्चे कौन सा होता है कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स उत्तल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज, देखो अभी कनकेव लेंस की इमेज आई थी कैसी बनाता है ये, सीधी और छोटी, लेकिन यहाँ पे थोड़े ऑप्शन देखना, ऑप्शन थोड़े चेंज है, तो कनकेव लेंस हमेशा इमेज बनाता है बच्चे सीधी, और सीधी इमेज हमेशा कैसे होती है वर्चुअल, तो देखो सीधा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं हो सकता है, ऑप्शन नहीं है, ये इमेज बनाता है सीधी और आभासी, वर्चुअल और इरेक्ट ये है सही है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है आभासी इमेज हमेशा कैसे होती है सीधी, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो कम से कम आप दो जब भी ऑप्शन दिख जाएंगे पेपर में रियल इरेक्ट टाइप से के समझ जाओ, दो ऑप्शन हमेशा बाहर निकलेंगे, अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड ही होगी और इरेक्ट है तो वर्चुअल ही होगी, रियल इमेज कभी इरेक्ट नहीं हो सकती, वर्चुअल कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकती, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और उल्टा हमेशा वास्तविक, तो दो ऑप्शन तो बाहर निकल जाएंगे। अब कनकेव लेंस का हमें पता ही है, कनकेव लेंस हमेशा सीधा आभासी और छोटी इमेज बनाता है, सीधी आभासी और साथ में छोटी भी ऐड कर लो, सीधी आभासी और छोटी, अब ये कंप्लीट हो गया, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड सीधी आभासी और छोटी, ठीक है। 21वां, चलो ये तुम खुद करो, द इमेज फाउंड बाय स्पेसिफिक मिरर लेग अपीयर्स एज ऑफ द सेम साइज बट हेड एंड इज बॉडी अपीयर्स स्मॉलर देन इट्स रियल साइज व्हेन पर्सन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, विशिष्ट दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पैर एक ही आकार के दिखाई पड़ते हैं लेकिन सर और उसका शरीर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है, दर्पण की प्रकृति क्या है, प्लेन कनकेव कॉन्वेक्स कनकेव कॉन्वेक्स प्लेन प्लेन बताओ। 21वां मैं चाहूंगा कि आप आंसर दें, कौन है अर्जुन कुमार यादव जी, यशवंत कुमार क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ो, गलत आंसर है तुम्हारा, खुशबू कुमारी का ठीक है, जे एस रावत का गलत है, हंसराज कुमार का गलत है, नहीं सॉरी हंसराज कुमार का सही है, सॉरी नहीं, एक बच्चे इसका नाम मैंने पहले लिया था शायद उसका गलत था, फिर हंसराज का सही है, मोहम्मद इम्तियाज का, रोहित सिंह का, संजीत का, आरब जफर का, नवीन का, निशा रानी, इन सबका ठीक। भाई एक चीज बताओ, इसने कहा कि पैर तो एक ही आकार के दिख रहे हैं, तो आपको पता बच्चे कि पैर अगर उसी आकार के दिख रहे हैं यानी कि नीचे तो प्लेन मिरर लगा है, क्योंकि प्लेन मैंने बताया था कल समतल दर्पण जो होता है सेम साइज की इमेज दिखाता है, तो नीचे पैर अगर सेम साइज के तो नीचे तो प्लेन है, लेकिन ऊपर का जो धड़ है वो बच्चे आपको दिख रहा है छोटा, और छोटा कौन दिखाता है, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स एंड प्लेन, ऊपर है कॉन्वेक्स और नीचे है प्लेन, याद रखना पहले कॉन्वेक्स आएगा फिर प्लेन आएगा, क्योंकि पैर नीचे होते हैं तो नीचे जो है वो प्लेन है, ऊपर कॉन्वेक्स, खाली प्लेन होता ना तो ऊपर से लेके नीचे तक सेम दिखाता फिर वो, ठीक है।
कनकेव तो या तो इमेज उल्टी बनाता है और सीधी बनाता है तो बड़ी बनाता है वो, कनकेव सीधी इमेज को छोटी नहीं बनाता, कॉनवेक्स हमेशा सीधी और छोटी ही बनाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फिनोमिना इज इन्वॉल्व इन कैलिडोस्कोप, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बहुरूपक दर्शक में शामिल है। मैंने आपको बताया था कि कैलिडोस्कोप जो होते हैं, जिन्हें हिंदी में लिख रखा बहुरूपक दर्शक, मैंने कहा था कि बच्चों के खेलने वाली चीज है, इसमें तीन प्लेन मिरर लगे होते हैं, बताया था ना, तीन मिरर लगे होते हैं इसके अंदर, एक ऐसे, मैंने कहा था कि एक मिरर ऐसे लेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, और इन्हें चिपका के इसके अंदर कुछ रंग बिरंगे पत्थर भर देंगे, जब लाइट अंदर घुसेगी पत्थरों पर टकरा के आपकी आंख में पहुंचेगी तो बहुत ही कलरफुल पैटर्न दिखाई देगा। तो कैलिडोस्कोप में तीन प्लेन मिरर लगे होते हैं, और मिरर लगे हैं तो मिरर आपको पता है कि किस पे काम करता है, दर्पण काम करता है रिफ्लेक्शन के नियम पर, परावर्तन के। याद रखना, अगर पेपर में आ जाए कि दर्पण किसके नियम पर काम करते हैं, दर्पण, तो दर्पण काम करते हैं लो रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम पर, कोई भी मिरर हो वो लो रिफ्लेक्शन पे काम करेगा परावर्तन के नियम पर। लेकिन अगर लेंस आ गया पेपर में, लेंस, तो लेंस बच्चे काम करते हैं लो ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम, लो ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन का नियम, यहां पे अपवर्तन के नियम आएगा, अपवर्तन के नियम, ठीक है। अगला, इन ए मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस इज यूज्ड, ये कह रहा है कि बच्चे आवर्धक कांच में लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक कांच का मतलब है, मैग्नीफाइंग का मतलब है कि जो आपको चीजों को सीधा और बड़ा दिखाए, तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, मैग्नीफाइंग जिक्र हुआ था थोड़ी देर पहले तीसरे चौथे क्वेश्चन में कि मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच किसे कहते हैं हम, मैग्नीफाइंग, जो चीजों को सीधा और बड़ा करके दिखाए, तो मैग्नीफाइंग कौन सा होता है, कॉनवेक्स उत्तल, ये बी वाला कौन है, प्रेम यदुवंशी भाई इतना गलत कैसे कर रहा है, कनकेव तो चीजों को सीधा और छोटा दिखाता है, तो आंसर हो ही नहीं सकता हमारा, कॉनवेक्स को मैग्नीफाइंग भी कहते हैं, कॉनवेक्स उत्तल को। अग्नि, कुंतिया, संदीप, राहुल, ये वो, ठीक है, अगला जाओ। When an object is kept between two parallel plane mirrors, then what is the number of images formed? जब किसी वस्तु को दो समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है, दो पैरेलल मिरर हैं और उनके बीच में किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, करो एक क्वेश्चन, ये सबको पता है, पहले से रटा पड़ा आंसर इसका, गजाला, सुमित, इशारा राम, नवीन, अंकित, आशुतोष, पिंकी, नारायण, सुमित धाकड़, रुपेश, प्रवीण, नीरज, हंस, लोकेश सैनी, नितेश, कृष्णा, संजीत, आदित्य, परमानंद, शुभम, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे आपको पता है, अगर दो मिरर बिल्कुल पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब है कि उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है, तो उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बाई थीटा माइनस 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 0 डिग्री, और 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, अनंत, ठीक है, तो आंसर होगा इन्फानाइट, अनंत। पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन ऐसे सेट किए हैं क्वेश्चन, बहुत दिमाग लगा के कि पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाए सारा का सारा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा, दो ऑप्शन बाहर निकाल सकते हैं इसमें भी आप, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनवेक्स लेंस, तो मैं देखना चाहूंगा कि कौन बच्चा ऐसा है जो दो ऑप्शन भी बाहर नहीं निकाल पा रहा। पहले आप मुझे बताओ जो भी आपको लगता है कि आपके अनुसार आंसर क्या होगा, इसका आंसर कौन कौन सा नहीं हो सकता। ओके चलो करो आप क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा आंसर आप क्या बताएंगे। The power of a convex lens, if the image formed is at a distance of 10 cm from the lens, when the object is placed on the other side of lens at 40 cm from the optical center. एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाइए, यदि निर्मित छवि लेंस से 10 cm की दूरी पर है, जब वस्तु को लेंस के दूसरी तरफ ऑप्टिकल केंद्र से 40 cm पर रखा गया है, इतने स्पेस कहाँ छोड़ दिया भाई ये? करो। देखो दो ऑप्शन आप, देखो ग्रीश कुमार से दो ऑप्शन भी बाहर नहीं निकले, इसने कर दिया महागलत। राहुल नायक भी दो ऑप्शन बाहर नहीं निकाल पा रहा, क्वेश्चन का नंबर लिखो साथ में। अंजीत कुमार भी ऑप्शन बाहर नहीं निकाल पा रहा, साक्षी ने भी कुछ सही लिखा है, छोटे सिंह ने भी कुछ सही लिखा कि सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते भाई इस क्वेश्चन के। ये समझाने के लिए ऐसे पीडीएफ लेकर आया हूं ताकि आपको ऑप्शन निकालने भी आए। भाई एक चीज बताओ, उसने पावर पूछी है कॉनवेक्स की, तो कॉनवेक्स की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, तो इसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। इन दोनों में से कोई आंसर है। अब पावर निकालने के लिए बच्चे आपको चाहिए फोकल लेंथ, पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ चाहिए। अब यहां पे देखो, इसने कहा कि लेंस से इमेज क्या बन रही है बच्चे, कितना दूर बन रही है, 10 सेंटीमीटर दूर। अगर वस्तु दूसरी तरफ 40 सेंटीमीटर दूर रखी हो, तो वस्तु को रखते हैं हमेशा लेफ्ट पे, तो वस्तु रखिए 40 सेंटीमीटर दूर, तो यू की वैल्यू होगी -40,
वी की वैल्यू कितनी रखिए बच्चे, अच्छा वस्तु रखिए, इसने कहा कि वस्तु रखिए दूसरी तरफ, यानी कि इमेज इस तरफ बन रही है, तो इस तरफ वाली चीजों को लेते हैं पॉजिटिव, इधर रखते हैं वस्तु रखते हैं ऑब्जेक्ट रखते हैं लेफ्ट पे, इधर लेते हैं नेगेटिव, इधर की रहते हैं पॉजिटिव, तो वी की वैल्यू है प्लस 10। फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u, याद रखना दर्पण होता तो बीच में प्लस आता, ये लेंस है, तो निकाल लो वी की वैल्यू है 10, यू की वैल्यू है थोड़ी 40 है, यू की है 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 ले लेना एलसीएम, 10 चौक 40, 40 कम 40, तो 5/40, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, एफ आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, सोल्व कर लेना इसे, तो 100/8, 4 × 8, 4 × 8 = 25, 12.5, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि आपको पावर निकालनी है, पावर होती है 1/ फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ऊपर 1 आएगा, सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 आएगा, तो हमें सेंटीमीटर में आंसर आएगा हमारा, क्योंकि वस्तु रखे 40 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु को रखते हैं हमेशा लेफ्ट पे, और इमेज बन रही है दूसरी तरफ, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर दूर, तो वी की वैल्यू प्लस 10, यू की कितनी -40, लेंस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, वी भी दे रखा है 10, यू दे रखा -40, माइनस माइनस हो गया प्लस, सोल्व करके एफ की वैल्यू आ गई 8, और 8 रखेंगे यहाँ पे तो 12.5 आ गया, तो सब कर लेंगे। मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो घबराना नहीं है, कम से कम आप दो ऑप्शन तो बाहर निकाल ही देना, तो तुक्का लगाने में भी आसानी होगी आपको, ठीक है। अगले बार जाऊं, ए पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, अभी बताया मैंने कि पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर होते हैं, दो समतल दर्पण होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो अगर यहाँ पे मिरर है तो किस पे काम करेगा ये, 26वें का आंसर बताओ। मोहित सिंह कह रहा है सबने मोस्टली गलत आंसर दिए, अच्छा कोई बात नहीं भाई, कुछ सीखने भी तो आए हो तुम, सारे खुद ही आंसर दे दोगे तो हम भी तो कुछ बताएंगे। क्लास में कंटेंट कैसा रहेगा, मटेरियल कैसा रहेगा, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा, कैसे कैसे आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने कैसे पढ़ रहे हैं, क्या आंसर दिया जा रहा है उनके द्वारा। तो पेरिस्कोप में बच्चे मिरर होता है, मिरर किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे, परावर्तन पे बताया था, मिरर अगर आ गया तो रिफ्लेक्शन, आग बंद करके, लेंस है तो रिफ्रेक्शन अपवर्तन, बस खत्म काम। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, बस वैल्यू चेंज हो गई, क्वेश्चन देखना, द पावर ऑफ ए कॉनवेक्स लेंस, कॉनवेक्स लेंस की पावर बतानी, उत्तल लेंस की शक्ति, तो बताओ कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, आप बताओ कि सर कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे, पहले बताओ कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते 27 में। इम्तियाज, नीतीश, मिथुन, राज, क्रेजी, नीतीश गुप्ता, नीलू, बबलू, प्रेम, उज्जवल, बिल्कुल सही भाई, कॉनवेक्स की तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और पावर भी पॉजिटिव, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये तो नहीं है। अच्छा अब इस बार देखो जो मैंने बताया था, आप कोशिश करो पेन लेकर कि क्या आप कर पाओगे 30-35 सेकंड में। तो बच्चे आपको पावर के लिए निकालनी है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u, लेंस है, अगर दर्पण होता दर्पण में बीच में प्लस आएगा, याद रखना। इसने बोला कि इमेज फॉर्मड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट 60 सेंटीमीटर, तो बच्चे वस्तु रखिए 60 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु की वैल्यू यू के लिए होती है -60 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इमेज कितना दूर बन रही है 20 सेंटीमीटर दूर, और इमेज बन रही है दूसरी तरफ तो पॉजिटिव है, वो 60 आ गया एलसीएम, 20 40 20 60, तो 60 कम 60, तो 4/60 का मतलब हो गया 1/15, तो 1/f की वैल्यू 1/15 आ गई, एफ आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। पावर कैसे आएगी, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f 15 5 10 5 15 5 10 0, यानी कि 6.67, बी ऑप्शन आएगा इस बार 27 का बी, बहुत सही, क्या बात है भाई तुमने कर लिया मेरे से फर्स्ट, बड़ी स्पीड है तुम्हारी तो। मिथिलेश, नवीन, नेहा, अर्जुन, अजीत, आशुतोष, नवीन, अरे मुझे लग रहा था कि मैं ही धुरंधर हूं, तुम तो खतरनाक हो चुके हो उस समय, अरे तुक्का मारा मेरे बात बता रहे हो कि ऐसे पहले से आंसर आया तुम्हारा। परसिस्टेंस ऑफ आई विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड, नेत्र दृष्टि की निर्बंधता के पीछे का सिद्धांत। देखो दृष्टि की निर्बंधता का मतलब बच्चे होता है कि अगर कोई चीज आपने देख ली, कोई भी चीज अगर आपने एक बार देख ली, तो अगर आप उसे देख के नजरें हटा भी दोगे ना, तो जिस चीज को आपने एक बार देख लिया तो उसका प्रतिबिंब कुछ समय तक आपकी आंख के पर्दे पर बना रहेगा, वो समय होता है 1/16 सेकंड। तो परसिस्टेंस ऑफ आई विजन, किसी चीज को अगर आप एक बार देख लेंगे
तो उसका प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक आपकी आंख के पर्दे पर रहेगा। कुछ किताब में 1/10 लिख रखा, गलत है वो, एसएससी ने 1/16 ही आंसर माना था 17 में, सीजल 17 के अंदर। तो मैंने ये मान लो कि सामने भगवान जी की फोटो लगी है, देख लिया, नजर हटा भी लूंगा तो भी प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहेगा। तो मान लो बच्चे मैं आपके सामने बहुत सारे फोटो स्पीड से घुमा दूं और इतनी स्पीड से घुमा दूं कि एक दो फोटो के बीच में 1/16 सेकंड का गैप रहे ना। तो जैसे मैंने पहला फोटो देखा उसकी इमेज मेरी आंख के पर्दे पर अभी हटी भी नहीं कि दूसरा फोटो आ गया, फिर उसकी इमेज नहीं हटी, तीसरा आ गया, तो मुझे सारे के सारे फोटो ऐसे लगेंगे चलते से एक एक वीडियो चल रही हो। तो परसिस्टेंस ऑफ आई विजन का यूज करते हैं बच्चे हम सिनेमा के अंदर, कि हम 1 सेकंड में ही 24 फ्रेम घुमाए जाते हैं, जो वीडियो चलती है ना तो उसमें 1 सेकंड में 24 फ्रेम घूमते हैं, तो उसमें आपको पूरा लगता है कि सर फोटो नहीं चल रहे, वो पूरा एक वीडियो चल रही है, तो उसका यूज करते हैं सिनेमा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ न्यूटन कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट। न्यूटन के रंग डिस्क प्रयोग के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? देखो न्यूटन का कलर डिस्क क्या है, न्यूटन ने एक प्लेट को 7 हिस्सों में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 रंग कर लिए, VIBGYOR। तो बच्चे इसने किया 7 कलर। अब इसने कहा कि ये 7 कलर है, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और यहाँ पे छेद करके एक तार लटका लिया और प्लेट को पूरी स्पीड से घुमाया। तो जब न्यूटन ने पूरी प्लेट को पूरी स्पीड से घुमाया तो सफेद रंग की दिखने लगी, तो इसके पीछे की वजह थी दृष्टि की निर्बंधता, क्योंकि जब ये प्लेट पूरी स्पीड से घूमी थी ना तो हमें कलर अलग अलग महसूस नहीं हो रहे थे, ये सारे के सारे कलर एक साथ हमारी आंख के सामने से गुजर गए, और इन सारे कलर का कॉम्बिनेशन कैसा होता, व्हाइट। भाई हमारी आंख दो कलर को अलग अलग तभी पहचान पाएगी अगर उनके बीच में 1/16 सेकंड का गैप हो, प्लेट पूरी स्पीड से घुमा दी तो सारे कलर एक साथ आंख के सामने से गुजर गए, तो सारे कलर का प्रभाव एक साथ आंख के पर्दे पर है, और इन सबका प्रभाव कैसा होता है, व्हाइट। तो न्यूटन का जो कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट है कि जब हम रंगीन प्लेट को घुमाते हैं तो हमें सफेद दिखती है, उसके पीछे की वजह है दृष्टि की निर्बंधता, परसिस्टेंस ऑफ आई विजन। आज स्पीड आज 31 क्वेश्चन है भाई, द पावर ऑफ सन ग्लास, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, ये सबको पता होगा, तो धूप के चश्मे लगाते हैं, क्वेश्चन अभी और है। आज बिल्कुल सही स्पीड चली है हमारी, न्यूमेरिकल आने के बावजूद भी हम लगभग 1 घंटे के अंदर काम को निपटा लेंगे। एक बार फिर से बोल दूं भाई, बार बार मैसेज आ रहा है कि जो जो बच्चे ऐसे हैं जिस यहाँ पे भी देख रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और लाइक वाइक जो भी करना है, जिसने नहीं किया वो पहले आंसर बाद में देगा, पहले को थम थम से लगा देगा, ताकि जब टीचर क्लास खत्म होती है तो देखता है तो उसे बढ़िया सा लगता है, हाँ भाई कि मामला सही चल रहा है। तो धूप के चश्मे के बच्चे जो पावर होती होती है जीरो, कोई पावर नहीं होती, कोई नंबर थोड़े ना होता उसका, जीरो पावर। एक क्वेश्चन है, फोकस डिस्टेंस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल विल बी। इसे भी मैं ऑप्शन से कराऊंगा ऐसे ही। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जब एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? जो कॉन्वेक्स मिरर है ये पोल है, इससे एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी तो उसकी इमेज कितना दूर बनेगी, ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन से। आरिफ जफर दोबारा कर, मजाक नहीं चल रहा यहां पे, क्वेश्चन ये कॉन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण, और 31 लिख पहले। देखो कॉन्वेक्स मिरर के सामने बच्चे की चीज ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर में आपको बहुत ही गजब की चीज बता रहा हूं, इसका न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। देखो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप यहां पे देखो, शुरू में ही कॉन्वेक्स मिरर की खास बात तो मैंने आपको क्या बताई थी, एक तो बच्चे इसकी खास बात है कॉन्वेक्स मिरर की कि इमेज बनाता है हमेशा सीधी, इरेक्ट, और सीधी इमेज हमेशा कैसे होती है, आभासी, तो सीधी, आभासी और छोटी। तो एक तो कॉन्वेक्स मिरर कभी उल्टी इमेज नहीं बना सकता, ये खास बात है, ऑप्शन बाहर कर दो, और एक बड़ी नहीं बनाएगा। एक खास बात और देखना, कॉन्वेक्स मिरर सारी की सारी इमेज, जितनी भी इमेज है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, ये सारी इमेज बनाता है पोल से फोकस के बीच में, और फोकस तक की दूरी दे रखी है आपको उसने 20 सेंटीमीटर, यानी जो भी इमेज बनेगी उस इमेज की दूरी 20 सेंटीमीटर से कम होगी, यानी फोकस डिस्टेंस से कम होगी। ठीक 20 सेंटीमीटर कब होती, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो इमेज बनती है फोकस पे, वस्तु अनंत पे तो नहीं है, अगर वस्तु इन्फिनिटी पर होती तो इमेज बनती फोकस पे, तो फोकस तक की दूरी थी 20 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाता 20, लेकिन वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर दूर, तो अनंत के अलावा वस्तु कहीं भी रखी हो तो इमेज बनेगी उसकी बच्चे पोल से फोकस के बीच में, तो फोकस तक की दूरी 20 है तो इमेज की दूरी आएगी 20 से कम। तो अगर आप यहां पे देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में
तो कॉन्वेक्स मिरर में अच्छी देखो, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज की दूरी होगी ना, वो जितने भी फोकस लेंथ दे दे आपको, बस उसे देख लेना पेपर में कि कॉन्वेक्स मिरर देखते ही कि फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ है 20, तो इमेज बनेगी फोकल लेंथ से छोटी दूरी पर। तो ये तो बच्चे बहुत बड़ी दूरी है, ये भी बड़ी दूरी है, ये बराबर है, आंसर क्या है, बी ऑप्शन है केवल। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में वी की वैल्यू जो होगी ना, इमेज की जो दूरी होगी हमेशा फोकल लेंथ से कम दूरी होगी, या उसके बराबर कब हो सकती है, अगर वस्तु अनंत पर होती, इन्फिनिटी पर इमेज बनती फोकस पर, तो फिर एग्जैक्ट 20 आ जाता। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अगर आपको इतना दिमाग नहीं चल रहा। फोकस लेंथ बतानी है, फोकस डिस्टेंस, अच्छा फोकस डिस्टेंस दे रखी है 20, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है प्लस की, तो प्लस 20 आ गया। और ऑब्जेक्ट रखा है बच्चे कितना दूर, 20, तो यू की वैल्यू होगी -20, वी निकालना है, तो ये मिरर है, तो मिरर के फॉर्मूले में बीच में आता है प्लस 1/v + 1/u, तो निकाल लो इसे, तो 1/v हो जाएगा 1/f - 1/u। f की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20, यू की वैल्यू है -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, तो सोल्व करेंगे v की वैल्यू हो जाएगी +10। और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखो, अब मैं आपको एक चीज बता के जा रहा हूं, लास्ट में ध्यान समझना, जब भी पेपर में कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण देखो, समझ जाना कि क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के होगा। कॉन्वेक्स मिरर में आप कैसे कैसे ऑप्शन बाहर निकालेंगे, जैसे आपने सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन करा था कि कॉन्वेक्स मिरर देखते ही आप समझ जाना कि इमेज उल्टी नहीं बनेगी, और उसने किसी ऑप्शन में उल्टी इमेज लिख दिया तो ऑप्शन गलत है, इमेज छोटी बनेगी, बड़ी इमेज बता दी तो भी गलत है, और इमेज बनेगी पोल से फोकस के बीच में, तो फोकस तक की जो डिस्टेंस है उससे छोटी डिस्टेंस ही आएगी प्रतिबिंब की, इमेज की। तो ये कुछ बातें आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। आरिफ सर दिमाग सवाल सेट किए हैं, आरिफ सर नहीं, अंकुर सर कह रहा जी, आरिफ सर देखो, मैंने अपने जो सारे क्वेश्चन जो सेट किए हैं ना, वो ऐसे किए हैं कि आपका पूरा पूरा जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो पूरा रिविजन हो जाए। जो मैं जो क्लास में बार बार बोलता था ना कि याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज, तो उस चीज को रखने के लिए ऐसे रखे गए। तो आज का सेशन जरूर बता के जाना कैसा रहा, और आपका स्कोर क्या रहा, 31 में से कितने सही हुए। छोटे यादव कह रहे हैं कि उसके 26 सही हुए, प्रकाश के 38, 27, 24, 22, अरे पहले 22 लिखना है फिर 31 नीचे लिखना है, 29 हुए हंसराज के सही। अब तक का सबसे बढ़िया स्कोर 29 है, और ईमानदारी से आंसर देना कसम है, बिल्कुल 29। अब ये देखो आपस में ही कि आप कंपटीशन में कहाँ खड़े हो, आपको भी पता चल जाएगा। 26, 27 अंक, मैं चाहूंगा कि अंकित भी बताए, आरिफ का तो मुझे पता है क्वेश्चन गलत हो ही गया है, आरिफ जफर का, ठीक है, मेरे न्यूमेरिकल ठीक थे, 29 रॉन्ग हो गया सर, एक हिस्ट्री वाला था, ओके। चलो आज के लिए नहीं रखते हैं, एक बार अपना सब स्कोर देख लेना, बढ़िया अगर आपको लगे सेशन तो एक बार जरूर लिख के जाना कैसा लगा कैसा नहीं, ताकि मैं बाद में कमेंट पढ़ता हूं, तो अगर मुझे लगे कि हाँ बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैं डेली इसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। फिर वरना क्या करूंगा ना, अभी मैं क्वेश्चन डेली चूज कर रहे हैं, पूरी मेहनत करता हूं 2 से 3 घंटे, फिर मैं ऐसे करूंगा कुछ भी भाई ये क्वेश्चन 20 टाइप कर दो, 30 कर दो। तो अगर आपको चाहिए कि जैसे आपने देखा कि मैं क्वेश्चन कराता हूं, 2-3 बाद एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो पहले वाले से कनेक्ट कर रहा होता है, तो क्वेश्चन को सिक्वेंस में कैसे रखना है, किसे आगे रखना है, किसे पीछे रखना है, किस क्वेश्चन में से ऑप्शन से भी बताना बच्चों को, तो फिर वो टीचर वो मेहनत करनी बंद कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि वो लगातार बनी रहे तो एक बार जरूर बता के जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी। 27 स्किप किया, बाकी सही, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू।